जी दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा जयनगर न्यूज़ के वॉल पेज पे काफ़ी दिनों के बाद पुनः आप लोगों से मुखातिब होते हुए। तो आज लाइव का मुद्दा धारा 370 और 35 ए का खात्मा, जो चिर प्रतीक्षित काफ़ी दिनों से हर भारतीयों के दिलो दिमाग में एक सपने की तरह मौजूद था। मोदी सरकार ने उस सपने को पूरा कर दिया। इसके लिए समस्त भारतीयों की तरफ से मोदी सरकार को साधुवाद, उनको धन्यवाद। दोस्तों बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। भारतीय इतिहास को इतने तोड़ मरोड़ कर परोसा गया है, इतने तोड़ मरोड़ कर वामपंथियों ने और कांग्रेसों ने आपको दिया है कि इतिहास के जब गर्त में जाइएगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि उन इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास लिखते हुए भारत के गौरवान्वित इतिहास के साथ न जाने कितना ज़्यादा क्रूर मजाक किया है। जो कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर को हमसे दूर हमेशा बताया जाता रहा है। मोदी सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ संसद में भेजा, जिसमें कई सारे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार से लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, और अब लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार अचानक इस तरीके का फैसला लेगी और भारतीयों के भारतीय जनमानस के दिलो दिमाग में जो सपनों की तरह बैठा हुआ है, जो पुरानी सरकारें जिस मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पाई, समाधान नहीं कर पाई, उस मुद्दों को मोदी सरकार आसानी से निपटा देगी। शुरुआत तो 2014 के बाद नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, GST जैसे कई ऐसे मजबूत कठोर कदम जो मोदी सरकार ने लिए, उसके दूरगामी असर होंगे। वर्तमान में लोगों को लगेगा इससे दिक्कत है, इससे परेशानी है, लेकिन इसके दूरगामी असर होंगे। आज सारा देश मोदी को टेलीविज़न पे आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा था और सारा देश सुन रहा है। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि धारा 370 हटने से फ़ायदा क्या है। मुझे तो हंसी आती है, जयनगर के कुछ तथाकथित पत्रकार जो मुझे लगता है कि अपनी सोच अपने घर की चौखट और दुकान से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उन्होंने जनता को बड़गलाते हुए पूछा कि धारा 370 हटने से देश को क्या फ़ायदा है। उनकी सोच उनके घर के चौखट तक ही सीमित होती है। हम राष्ट्रवादी लोगों की सोच राष्ट्र के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मौजूद होती है। हमने बचपन से ही एक नारा बुलंद किया था, कश्मीर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी, जयनगर हो या अमृतसर सारा भारत अपना घर। ये हम जैसे राष्ट्र प्रेमियों की ये सोच है, लेकिन उन जैसे तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों की जो सोच है, उनका सवाल होता है कि धारा 370 हटने से देश को क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बताता चलूं, धारा 370 जम्मू कश्मीर को भारतीयता से अलग करके रखी हुई थी, उसे शेष भारत से जोड़ने पे जोड़ कर नहीं रखती थी। एकमात्र वो ऐसा राज्य था इस देश में जिसके तिरंगा के साथ साथ उसका अपना झंडा भी चलता था। वह एक ऐसा राज्य था जहां प्रधान वजीर आजम शब्द का प्रयोग हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका जबरदस्त विरोध करते हुए कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेगा। उस देश का दोस्तों अलग संविधान था। हमारे हम गरीब मेहनत कश मजदूरों के और हम भारतीयों के, मेहनती भारतीयों के अरबों रुपये टैक्स के रूप में जम्मू कश्मीर पे यूं लुटा दिया जाता था धारा 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त होने की वजह से, जिसका भरपूर लूट वहाँ के अलगाववादी नेताओं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं, वहाँ की कांग्रेस पार्टी के नेताओं और PDP के नेताओं पे दिया जाता था। वहाँ की आम जनता
ठगी सी रहती थी। रोज़गार बिल्कुल नहीं के बराबर है। आप में से कई लोग घूमने जाते होंगे, वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाते होंगे, अमरनाथ की यात्रा पर जाते होंगे, तो वहाँ आम कश्मीरियों का जनजीवन कैसा है ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं होगा। आपको जानकर ताज्जुब लगता होगा कि जब आप वहाँ पहुँचते होंगे तो वहाँ के लोग आपसे ऐसे व्यवहार करते होंगे जैसे कि आप कोई विदेशी उनकी धरती पर पहुँच गए। वो कहते हैं आप हिंदुस्तानी यहाँ आए हो। वो खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे और यह जहर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा वहाँ बोया गया था। आज बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वालों के ऊपर हावी है हम राष्ट्रवादियों का राष्ट्र प्रेम। मोदी सरकार का यह निर्णय, मोदी सरकार का यह कदम वास्तव में काबिले तारीफ है। अगर वास्तव में आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सच्चाई सुननी है तो लद्दाख के युवा सांसद जामयांग सिरिंग का 19 मिनट का वह भाषण सुनिए जिसमें उसने जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती सरकारों और कांग्रेस की ऐसी अपने शब्दों से ऐसी धुलाई किया कि संपूर्ण भारतवर्ष में उन्हें नंगा करके छोड़ दिया। सच कहा जाए तो इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान रहा है। इस देश की धरोहर को मिटाने में, इस देश की एकता और अखंडता को विभक्त करने में छद्म धर्म निरपेक्षवादियों का अहम भूमिका रहा है उनका। ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। विरोध करने का मतलब लड़ झगड़ करने, अपने तर्कों से, अपने शब्दों से, अपने पास शाब्दिक हथियार रखिए और उनका पुरजोर विरोध कीजिए। ये प्रोपगंडा फैलाने में माहिर होते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं, ये खुद को लोगों के बीच में बुद्धिजीवी बनकर ये लोगों के बीच में घुसते हैं और जहरीले शब्दों के द्वारा देश की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। लोगों के मन में जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीज़ों का जहर विषाणु के रूप में ये फैलाते हैं। ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। जिन्हें देश से प्रेम नहीं वह इस देश के नागरिक हो ही नहीं सकते। यह जानते हुए भी कि धारा 370 और 35 ए इस देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक है, जब मोदी सरकार ने इस धारा को हटाया तब भी मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जयनगर में मौजूद तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो सीधी सी बात उन्हें कहते हैं, फिर किस लिए आप खुद को भारतीय कहते हैं? आप क्यों नहीं पाकिस्तान की नागरिकता ले लेते हैं? जब पाकिस्तान के प्रति आपका इतना ज़्यादा प्रेम है तो पाकिस्तान में बसने से आप जैसों को रोका किसने? फिर आप ये नहीं कहिएगा कि मैं कौन होता हूँ आपको भारत से दूर जाने को कहने वाला। ये तो आप अपने शब्दों से खुद ही लोगों को जता रहे हैं कि आप पाकिस्तानी सोच के हैं, या गलत शब्दों में कहूँ तो शायद आपके नस में किसी पाकिस्तानी का खून ना हो, या आप किसी पाकिस्तानी के अवैध उपज ना हो। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले लेनी चाहिए, जिनको भारत से प्रेम नहीं हो और जिनको भारत सरकार द्वारा 370 और 35A के उन्मूलन से दर्द हो रहा हो। चर्चा कीजिए, गांव-गांव, घर-घर, हर समाज, हर कस्बे, हर शहर, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार सबों तक यह संदेश दीजिए। भारत की एकता, अखंडता, भारत की मजबूती के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे विचारों का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा करें। जीवी ने अपने फेसबुक पे लिखा कि भारत सरकार ने नागालैंड में अलग संविधान अपना लिया, नागालैंड में अलग झंडा कर दिया, नागालैंड में ये भारत सरकार के मजबूत कदम को बदनाम करने की एक साजिश है और इस तरीके की भारत सरकार की
तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।